हेलो हलो दे हैव बीन सम टेक्निकल ग्लिचेज कुछ ना कुछ दिक्कत आती रही है सो सॉरी फॉर दैट तो आज हम ट्राई करेंगे थोड़ा सा लाइव आकर इंडस्ट्रीज़ और कुछ स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट टाइम हम या नेक्स्ट वीक में हम ट्रेड कर सकते हैं सो तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में निफ्टी के अंदर आप देख सकते हैं निफ्टी का डेली चार्ट है और निफ्टी का जो लेवल मैंने टेलीग्राम में भी दे रखा था सत्रह चार सौ पचास के आसपास और आप देखेंगे थर्सडे को भी इसने वहीं से रेजिस्टेंस ली कल हालाँकि नीचे जाने के बाद थोड़ा सा ऊपर आया तो दो दिन में आप देखेंगे एक शूटिंग स्टार और एक हैंगिंग मैन बना दिया और इसको अगर हम कंबाइन करें दोनों कैंडल्स को तो बेसिकली एक स्पिनिंग टॉप बनता है जो कि अगेन एक इन डिसीजन दिखा रहा है हमारे को और आप ये देखेंगे सत्रह चार सौ पचास का लेवल मैं क्यों कह रहा हूँ इम्पोर्टेंट है, है क्योंकि यहाँ पर भी सेप्टेम्बर दो हज़ार इक्कीस में इसने इसके आसपास सपोर्ट लिया था फिर फेबररी में लिया था और फिर यहाँ पर भी इसने ये रेजिस्टेंस को पार करके गया था अप्रैल में तो इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस है पार करने के लिए तो इससे पहले लॉन्ग नहीं होना है, बिल्कुल भी निफ्टी के अंदर और आर एस ए भी आप देखेंगे फिलहाल है फोर्टी के ऊपर जा रही है तो अंटीन एल सत्रह चार सौ पचास ये क्रॉस करेगा इसमें लॉन्ग नहीं होना है और अगर इसने फ्राइडे का लो काट दिया तो हम इसके अंदर शॉर्ट में बैठ सकते हैं तो ये फ्राइडे का लो और सतरह चार सौ पचास जो है ये नो ट्रेडिंग जोन है इन दोनों के बीच में ट्रेड नहीं करना ऊपर जाने पर लॉन्ग और नीचे जाने पर शॉर्ट करना है इसको सो so, निफ्टी का ये बहुत ही क्लियर कट है एनालिस अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो so, बैंक निफ्टी के अंदर भी ये सिमिलर पैटर्न बना है एक शूटिंग स्टार है और दूसरा हमारे को हैंगिंग मैन दिख रहा है बट इसका ट्रेड थोड़ा सा आसान है निफ्टी के मुकाबले क्योंकि थ्री नाइन टू फाइव जीरो जो लेवल था ये भी आप देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था लगभग जनवरी के अंदर और फिर दोबारा से वहीं हम वहीं पर आ चुके हैं उसी मोड पर और अगर ये थ्री नाइन टू फाइव ज़ीरो के ऊपर जाता है तो ये क्लियर कट बाय है एक तो निफ्टी के मुकाबले थोड़ा सा आसान ट्रेड है अगर थ्री नाइन टू फाइव ज़ीरो के ऊपर जाता है और थोड़ी देर के लिए भी टिकता है तो बैंक निफ्टी में हम बाय कर सकते हैं और हमारा जो ऊपर का चैनल खुल जाएगा लगभग हम चालीस हज़ार तक जा सकते हैं उसके बाद सो दिस इज़ लॉट मोर इजियर दैन निफ्टी और आर भी आप देखेंगे फोर्टी के ऊपर ही है तो इसको हमारे को वेट करना थ्री नाइन टू फाइव जीरो के ऊपर ही से बाय करना है और इसका भी यही है अगर इसने फ्राइडे का लो काटा तो हो हो सकता है हमारे को और पेन मिले और फिर दोबारा इसको ये थर्टी एट थाउजेंड के लेवल्स को ये रीटेस्ट करे सो निफ्टी बैंक निफ्टी आर ब्रिटी ईजियर उस हिसाब से अब हम बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की और आप लोगों के भी मैं कुछ स्टॉक्स लूँगा सो so स्टॉक्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले कोटेक बैंक की बात करेंगे फ्राइडे को बैंक निफ्टी हालांकि रेड में क्लोज हुआ बट कोटेक बैंक ने कुछ स्ट्रेंथ दिखाई है और कोटेक बैंक के लिए भी ये अठारह से लेकर अठारह का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है यही इसका रेजिस्टेंस बना था लगभग अगस्त 2021 में और इस लेवल ने कई बार काम किया है अप्रैल में भी फिर इसने काम किया और अभी भी ये वहीं पे अटका हुआ है अगर ये स्टॉक 1830 क्रॉस करता है और वहां पर थोड़ी देर के लिए भी टिकता है तो इसके अंदर लॉन्ग किया जा सकता है तो कोटेक बैंक जो है ये कंडीशनल बाय है इसके 1830 के ऊपर जाने के बाद ही इसको बाय करना है और इसका स्टॉप लॉस होगा 1820 तो 1820 आता हमें स्टॉक में से निकल जाना है बट फिलहाल ये अच्छे, अच्छे इंडिकेशन दे रहा है फोर्टी के ऊपर इसकी आर जा रही है और ये रेजिस्टेंस को अगर क्रॉस करता और थोड़ी देर के लिए टिकता है तो हमारे पास जो लेवल आ सकते हैं लगभग अठारह और फिर उन्नीस तक के आ सकते हैं सो कोटेक बैंक इज अ बाय स्टॉक उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो एक शॉर्ट स्टॉक है ऑटो सेक्टर का और जो ऑलरेडी काफ़ी भाग चुका है पहले भी वो है टीवीएस मोटर्स टीवीएस मोटर्स में आप देखेंगे यहाँ पर एक हम थोड़ा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखते हैं ये ऑलमोस्ट डबल टॉप जैसा स्ट्रक्चर बना चुका है यहाँ पे आप देखेंगे डबल टॉप जैसा स्ट्रक्चर है और रिसेंटली इसनेक हैंगिंग मैन जैसा स्ट्रक्चर भी बनाया है फ्राइडे को तो इसमें बहुत ही छोटा हमारा स्टॉप लॉस बनेगा सो so, वन ज़ीरो सिक्स फाइव के नीचे अगर ये स्टॉक जाता है यानी कि अपना फ्राइडे का लो काटता है वन जीरो सिक्स फाइव के नीचे जाता है और थोड़ी देर के लिए भी टिकता है तो इसको शॉर्ट किया जा सकता है फॉर टारगेट्स ऑफ वन जीरो फोर जीरो और उसके बाद इवन वन थाउजेंड तक के टारगेट्स इसमें आ सकते हैं आर एस आई भी आप इसकी देखेंगे ऑलमोस्ट अभी सिक्सटी पे ही होवर कर रही है तो अगर ये स्टॉक वन जीरो सिक्स फाइव के नीचे आता है तो आर एस आई भी इसकी सिक्सटी से नीचे आ जाएगी तो ये काफ़ी तेज़ी के साथ जो है वन ज़ीरो फोर ज़ीरो और वन थाउजेंड के आसपास आ सकता है इसका वीकली चार्ट भी एक बार देख लेते हैं सो so, वीकली चार्ट में भी आप देखेंगे आर एस आई जो है आर एस आई के अंदर आपको थोड़ा सा वेरिश डाइवर्जेंस और दूसरा ये ओवरबॉट जोन में है तो दोनों तरफ से अगर हम देखें वीकली और डेली चार्ट में ये एक अच्छा ट्रेड बन सकता है शॉर्ट के लिए तीसरे स्टॉक की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत बाय एंड सेल स्टॉक की कैटेगरी में आ रहा है अमर राजा बैटरीज अमर राजा बैटरीज ने भी दो दिन बैक टू बैक इन डिसीजन कैंडल्स बनाई हैं अगर अमर राजा बैटरी फाइव फाइव वन ज़ीरो रदर पाँच सौ दस के ऊपर निकलता है और वहाँ पर थोड़ी देर के लिए टिकता है तो इसको बाई किया जा सकता है फॉर टारगेट्स ऑफ फाइव टू फाइव एंड फाइव फाइव जीरो और इसी को हम शॉर्ट में भी लेके जा सकते हैं अगर ये फाइव हंड्रेड के नीचे जाता है यानी फोर रदर फोर नाइन सेवन के नीचे जाता है और वहाँ पर थोड़ी देर के लिए टिकता है तो इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल इज़ अराउंड फोर सेवन फाइव तो ये इतना जो मूव है हमारे को लगभग बीस पॉइंट का मिल सकता है अगर ये फोर नाइन सेवन के नीचे जा रहा है तो ये बहुत बाय एंड सेल कैटेगरी के, के अंदर है बट हमारे को ये देखना है कि या तो ये 510 क्रॉस करके ऊपर जाए या फोर फोर नाइन सेवन के नीचे जाए तो दोनों केसेस के अंदर हम बाय सेल कर सकते हैं स्टॉक को और उसके बाद हमारा फोर्थ स्टॉक है सिप्लापला सिप्ला में भी आप देखेंगे तो सिप्ला ने थर्सडे को जो टॉप बनाया था उसका ओपन और हाई सेम था वन वन फाइव जीरो पॉइंट फोर ज़ीरो और हाई भी इसका वन वन फाइव ज़ीरो पॉइंट फोर जीरो था और वहाँ से जो इसका लो बना था उसी दिन वो था वन वन टू फोर और फ्राइडे को इसने कोशिश की और अपने हाई के पास गया बट फिर ये नीचे आ गया तो दोनों दिन इसने बिरिश कैंडल्स बनाई हैं सो अगर ये स्टॉक अपना फ्राइडे थर्सडे का लो काटता है वन वन टू टू के आसपास आता है और वहाँ पर थोड़ी देर के लिए टिकता है तो इसको शॉर्ट किया जा सकता है बहुत अच्छा कैंडिडेट है शॉर्ट के लिए आर एस सी भी आप इसकी देखेंगे तो सिक्सटी की तरफ आ रही है तो इसको अगर हम शॉर्ट करते हैं अराउंड वन वन टू टू के लेवल पे तो हमारे पास टारगेट्स आते हैं अराउंड ग्यारह सौ और उसके बाद दस सौ पचासी के आसपास और इसका अगर हम वीकली चार्ट भी देखें तो वीकली चार्ट में आप देखेंगे यहाँ पर इसने एक शूटिंग स्टार जैसा स्ट्रक्चर बनाया है जो कि एक बीरिश स्ट्रक्चर है तो ये एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ हम सिप्ला को शॉर्ट कर सकते हैं और वैसे भी ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है अगर आप देखेंगे इसको बहुत अच्छा अप ट्रेंड इसके अंदर आ चुका है तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं अगर ये वन वन टू टू के नीचे जाता है और हमारा नेक्स्ट स्टॉक भी एक फार्मा सेक्टर का ही है वो है सन सनफार्मा सनफार्मा में भी, भी आप देखेंगे वीकली स्ट्रक्चर है वीकली में आप देखेंगे डबल टॉप इसने बना दिया ऑलरेडी एक टॉप इसका बना था लगभग अप्रैल 2022 में और उसके बाद नेक्स्ट टॉप बना इसका अक्टूबर 2022 में और यहाँ पर भी इसने एक डोजी जैसा स्ट्रक्चर बना दिया है और डेली चार्ट में अगर हम जाएं तो डेली चार्ट में भी हम देखेंगे इसने वेंसडे को एक शूटिंग स्टार जैसा स्ट्रक्चर बनाया और फिर थर्सडे एंड फ्राइडे बैक टू बैक स्पिनिंग टॉप्स बनाए हैं जो कि एक इन दिखा रहे हैं तो ये अगर स्टॉक अपना वेंसडे थर्सडे और फ्राइडे तीनों का लो जो है लगभग आ रहा है नाइन फोर्टी थ्री सो इसको पॉइंट वन परसेंट नीचे लेके कर चलें तो नाइन फोर्टी टू के नीचे अगर ये स्टॉक जाता है तो ये क्लियर कट एक सेल स्टॉक बन जाता है और यहाँ पर अगर हम एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसका पहले रजिस्टेंस भी था सो ये क्लियर कट सेल है नाइन फोर टू के नीचे क्योंकि इसका पहले रेजिस्टेंस था अगर इसका सपोर्ट नहीं ले पाता और इसको तोड़ता है तो हमारे पास लगभग नौ सौ दस और उसके बाद आठ सौ नब्बे तक के लेवल आ सकते हैं सन फार्मा में और फाइनल स्टॉक जो है हमारा वो है बर्जर पेंट्स बर्जर पेंट्स का अगर आप ये देखेंगे डेली चार्ट है बर्जर पेंट पहले एक चैनल में ट्रेड कर रहा था और उसके बाद इसने इस चैनल को क्रॉस किया और उसके बाद अच्छी मूव दी और अगर इसी चैनल को हम थोड़ा एक्सटेंड करें तो हम देखेंगे कि अभी जो इसने कैंडल बनाई है फ्राइडे को वो लगभग इसी चैनल के रेजिस्टेंस को इसने अपना सपोर्ट बनाया तो ये बहुत बहुत ही अच्छा एक कॉन्ट्रा बाय हो सकता है इस गिरावट के अंदर सो बर्जर पेंट को भी एक कंडीशनल बाय है अगर ये सिक्स थ्री जीरो के ऊपर निकलता है स्टॉक और वहाँ पर थोड़ी देर के लिए टिकता है तो इसको बाय किया जा सकता है फॉर टारगेट्स ऑफ सिक्स फाइव ज़ीरो एंड इवन सिक्स सेवन ज़ीरो क्योंकि हमारे को इसने इस चैनल के रेजिस्टेंस का जो सपोर्ट लिया वो एक इंडिकेशन दे रहा है और दूसरा आप देखेंगे आर एस आई इसका फोर्टी को क्रॉस करते हुए जा रहा है तो ये अच्छे मोमेंटम के साथ हमारे कोई टारगेट दे सकता है सिक्स फाइव जीरो और सिक्स सेवन जीरो का स्टॉप लॉस भी इसका छोटा है इसका स्टॉप लॉस होगा हमारा लगभग सिक्स वन फोर सिक्स वन फोर के नीचे जाता है तो हमारे को स्टॉक से निकल जाना है सो so बेसिकली ये थे हमारे फाइव प्लस वन हमने एक एक्स्ट्रा स्टॉक ही दिया है बर्जर पेंट्स तो ये छः स्टॉक्स हैं जो हम ट्रेड कर सकते हैं मंडे को या उसके बाद जब भी ये लेवल्स आते हैं और इस गिरावट वाली मार्केट में कुछ हमने सेल स्टॉक्स दिए हैं और कुछ हमने बाई स्टॉक्स दिए हैं तो आप अपने रिस्क एपीटाइट के हिसाब से इनमें से कुछ ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि सबसे लेस रिस्की जो स्टॉक हैं जैसे मैंने आपको बताया टी मोटर है अमर राजा है तो इनमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं या फिर आप जैसा बर्जर पेंट है इनमें स्विंग या पोजिशनल भी खेल सकते हैं सो so अगर आप लोगों के कुछ स्टॉक्स हैं जो आप जिसका एनालिसिस चाहते हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए मैं कोशिश करूँगा कि उनका एनालिसिस करके आपके साथ मैं शेयर कर पाऊँ इस, इस लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर अजय प्रकाश जी आपका बजर पेंट का मैंने ऑलरेडी जवाब दे दिया बजर पेंट हमारे इसमें था ऑलरेडी स्टॉक सिलेक्टेड था इसके अलावा अगर किसी का और कोई स्टॉक हो तो मैं वो देख सकता हूँ संदीप जी वाइब्रेशन शीट वाइब्रेशन शीट मैं टेलीग्राम में ही दूंगा अभी यूट्यूब पे तो नहीं दे रहा हूं मैं ये सिर्फ़ हमारे जो सब्सक्राइबर हैं या टेलीग्राम चैनल के मेंबर्स हैं अभी उन्हीं को दे रहे हैं तो यहाँ पे शायद मैं अभी इसको शेयर ना कर पाऊँ सो आई थिंक अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो मैं स्ट्रीम को फ़िलहाल एंड करता हूँ और नेक्स्ट टाइम से ट्राई करेंगे इसके अंदर ज़्यादा टेक्निकल ग्लिच ना आए तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इजी रहता है इसके थ्रू आई कैन इंटरेक्ट विद सब्सक्राइबर्स मेंबर्स और उनके क्वेश्चंस भी मैं ले सकता हूँ और नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे थोड़ा सा एडवांस में हम मेंबर्स को बता दें क्योंकि आज वैसे भी सैड है और थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच की वजह से टाइम इधर उधर हुआ है बट नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि एडवांस में बताएं और आप लोग भी अपने स्टॉक्स जो हैं रिलैक्सो uh, so, आप पूछ रहे हैं अजय प्रकाश जी रिलैक्सो ओके जस्ट अ सेकेंड रिलैक्सो मेरे इसमें नहीं है तो मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा एक बार ओके लेट्स सी वाओ Hmm. स्वजय प्रकाश जी ये नाइन थर्टी से लेके वन जीरो थ्री सेवन या वन जीरो फोर जीरो आप कह सकते हैं इस चैनल में ट्रेड कर रहा है काफी देर से लगभग ये मई से लेके अब अक्टूबर आ गया है लगभग पाँच महीने हो गए हैं पाँच महीने से ये देखिए आप इसी चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है तो इसको ये चैनल क्रॉस करना पड़ेगा एक ये ऑलरेडी ले चुका है सेप्टेम्बर में इसने अटैम्प्ट ली थी थोड़ा सा मूव दिया था बट उसके बाद फिर दोबारा से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हुई है यहाँ पर और ये फिर दोबारा नीचे आ गया अगर ये सेकंड अटैम्प्ट लेता है यानी 1040 के ऊपर निकल के थोड़ी देर के लिए भी टिकता है रादर 1045 ये ज़्यादा बेटर लेवल है 1045 के ऊपर निकल कर अगर ये टिकता है तो इसके अंदर बाय किया जा सकता है और अगर आपके पास ऑलरेडी ये स्टॉक है तो इसके अंदर आप इसकी पिरामिडिंग कर सकते हैं क्योंकि 1045 के ऊपर ये है कि ये चैनल को क्रॉस करेगा और अभी आर भी इसका ठीक है 40 के नीचे नहीं गई है तो फिलहाल ये देखना पड़ेगा कि इसको 1045 क्रॉस करना अगर इसने ये क्रॉस नहीं किया तो अभी फिर दोबारा आप देखेंगे साइडवेज मूवमेंट में है और इसका लोअर एंड है जो 930 तो अगर ये अभी इसके बीच का सपोर्ट भी है एक चैनल के ये लगभग एक, एक हज़ार का जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है अगर ये स्टॉक एक हज़ार के नीचे जाता है तो आप इसके नौ सौ तीस तक के लेवल भी देख सकते हैं सो so, इसमें दो स्ट्रेटेजी आपकी हो सकती है वन जीरो फोर फाइव के ऊपर या तो आप पिरामिड कीजिए या आप वेट कीजिए जब नाइन थर्टी के आसपास आएगा और वहाँ पर आपको कोई ग्रीन कैंडल दिखती है डेली में तो वहाँ पे आप एवरेज कर सकते हैं अगर आपके पास पहले से है अगर नहीं है तो वहाँ पे आप फ्रेश बाय कर सकते हैं बट अभी इसका ये नो ट्रेडिंग जोन है वन जीरो फोर फाइव से पहले इसको बाई नहीं करना है और अगर ये नीचे जाता है तो आपको वेट करना है कि चैनल के सपोर्ट के आसपास आकर कहीं ग्रीन कैंडल बनाए तो वहाँ पर आप इसकी खरीदारी कर सकते हैं सो आई थिंक आपका क्वेश्चन आंसर हो गया होगा चलिए थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम नेक्स्ट वीक मिलते हैं और कोशिश करेंगे कि ग्लिच ना आए आपको एडवांस में बताएं और जो छोटी मोटी इसकी तैयारी करनी है आई आई डू इट ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए इसमें ज्वाइन करने के लिए सो थैंक यू सो मच हैव अ ग्रेट वीकेंड बाय